हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है बीएचजी के लिए अपना एग्जाम फॉर्म जो है किस तरह से भर सकते हैं। अगर आपने बीएचजी में एनरोल किया था जुलाई में, सो आपको जो है अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट करना होगा, बिकॉज आपके एग्जाम जो है जून 2020 में होने वाले हैं। सो उसके लिए आप जो है किस तरह से अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो एग्जाम फॉर्म ओपन कर लिया है, आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके जो है सिंपली इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको बता दो, आपकी लास्ट डेट जो है एग्जाम फॉर्म सबमिट करने की वो है 30 अप्रैल, बिना किसी लेट फीस के। सो आप जो है 30 अप्रैल तक अपने एग्जाम फॉर्म प्लस आप जो है अपने असाइनमेंट भी 30 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सबसे नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे जो है चेक करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू व्यू प्रोग्राम कोड। सो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम कोड लिखा होगा बीएजी, आपको जो है इस पे क्लिक कर देना है, या फिर आप जो है सिंपली यहाँ पे बीएजी भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। एनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट करना है अपना कि आप का जो है एग्जामिनेशन सेंटर का रीजन क्या है। सो यहाँ पे देखिए मैं जो है दिल्ली एनसीआर को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद जो आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको सबमिट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म जो ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे मेरे प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है, फिर आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर का रीजन लिखा हुआ है जो आपने पीछे सेलेक्ट किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू एग्जाम सेंटर कोड। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपके सारे सारे एग्जाम सेंटर कोड जो ओपन हो जाएंगे, आप जो कोई सा भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो यहाँ पे आप अपनी स्टेट या सिटी का जो भी है एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लिख के सबमिट करके आप चेक करेंगे, सो आपको जो है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड मिल जाएगा नियर बाय। उस टाइम जो है मैं ये वाला एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपका नेम लिखा होगा, नेम के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह जो है सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, उसके बाद जो अपना फोन नंबर यहाँ पे लिखना है। एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, या फिर आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आधार नंबर ऑप्शनल है, सो आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो किन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है। तो आपके जो है जितने भी आप कोर्सेज का एग्जाम देना चाहते हैं, आप जो सारे सारे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सब चेक कर सकते हैं। अगर आपने न्यू बीएजी में एडमिशन लिया है तो आपका कोई भी बैक का पेपर नहीं होगा यहाँ पे। सो आप जो है सिंपली सारे सारे आपके फ्रेश कोर्सेज होंगे, सो आप जो है सारे सारे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको जो है सारे के सारे कोर्सेज का एग्जाम देना है। तो देखिए मैंने जो है 8 के 8 अपने कोर्सेज को जो है सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए लिखा हुआ है आर असाइनमेंट सबमिटेड और विल बी सबमिटेड बाय 30 अप्रैल और फॉर द अबव कोर्सेज। सो आपको बता दो, आपके जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट 31 मार्च होते हैं, बट अब जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, आप जो है 30 अप्रैल तक अपना असाइनमेंट जो सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपने असाइनमेंट सबमिट कर दी है तब भी आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तब भी जो है आपको यहाँ पे यस ही सेलेक्ट करना है, बिकॉज आपके जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, आप जो 30 अप्रैल तक सबमिट कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए अभी आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया एंड आप जो है बाद में असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा। सो आपको जो है अगर आपने असाइनमेंट सबमिट की हो चाहे नहीं की हो, आपको जो यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, सो आपको जो सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। एंड आपको पहले बता दूं, आपकी जो है 150 रुपीज पर कोर्स जो है फीस लगने वाली है। सो 8 कोर्सेज होंगे, सो 8 × 150 इतने रुपए जो है आपके पूरे के पूरे टोटल फीस जो है आपको पे करनी होगी। उसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ पे सिंपली सबमिट लिखा हुआ है, आप जो है दोबारा से अपनी सारी सारी डिटेल जो है पढ़ लीजिएगा, एंड उसके बाद जो है आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको सबमिट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद जो आपका न्यू पेज ओपन होगा, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी जो है साइड साइड डिटेल्स दिखे होंगे, एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा आपका, एग्जाम सेंटर कोड लिखा होगा आपका, नेम वगैरह लिखा होगा, एड्रेस ईमेल आईडी आपकी लिखी होंगी, प्रोग्राम लिखा होगा, आपके जो है सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड साथ ही यहाँ पे जो है आपको जिन भी कोर्सेज के लिए आपने अपना एग्जाम फॉर्म भरा है उनकी जो डिटेल्स भी मिल जाएंगी, आप यहाँ पे जो सिंपली पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आपकी टोटल फी लिखी होगी 1200 रुपए, यानी कि 150 रुपीज आपके पर कोर्स होने वाले हैं। सो मैंने जो है 8 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, सो आप जो है देख सकते हैं 1200 रुपए आपकी टोटल फीस लगने वाली है। एंड असाइनमेंट जो है सबमिटेड है कि नहीं है उस पर जो है यस सेलेक्ट किया हुआ है। एंड उसके बाद जो है देखिए आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक। सो काफी सारे स्टूडेंट जो है इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि या फिर वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक से पे कर सकते हैं या फिर आईडीबीआई बैंक के कार्ड से पे कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप जो है आपके पास कोई सा भी कार्ड है, चाहे वीजा हो, मास्टर कार्ड हो या किसी भी बैंक का कार्ड हो, आप जो है उससे पे कर सकते हैं, सिर्फ ये जो है आपको सेलेक्ट करना होता है। सो चलिए मैं एचडीएफसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद जो है आपको देखिए यहाँ पे पे नाउ लिखा है, इस पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं
मॉडिफिकेशन एडिटिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन। सो सबमिट करने से पहले एक बार के आप सारी सारी डिटेल्स जो है अपने दोबारा से चेक कर लीजिएगा। अगर कोई भी गलती होती है तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैक टू एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको जो इस पे क्लिक कर देना है। आप जो है वहां पे जाके अपनी कोई भी जो भी आपने यहाँ पे मिस्टेक की होंगी उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आपको HDFC सेलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको पे नाउ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे जो है दोबारा से आपकी सारी सारी डिटेल्स आपको मिल रही होंगी। यहाँ पे जो है आपको एक नई चीज मिली है जो कि आपको ट्रांजेक्शन रेफरेंस कोड, सो आप जो है इसको जो है जरूर संभाल के रखिएगा। आपको ये जो है ट्रांजेक्शन कोड है, सो आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको मेक पेमेंट लिखा है, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना। चलिए मैं आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है पे विथ पे क्लिक करना है। पे विथ पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर HDFC का कार्ड है तो आप जो है HDFC के कार्ड से पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी अदर बैंक का कार्ड है तो नीचे जो आपको ऑप्शन दे रखा है अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड या फिर जो आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। तो उस टाइम जो है मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड से पे करने वाला हूँ, तो मेरे को जो है इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना कार्ड डिटेल्स। उसके बाद जो आपके कार्ड की डिटेल्स डाल के आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा, आपकी जो है पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएंगे एंड साथ में आपको अपना कंट्रोल नंबर ही मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप अपना कंट्रोल नंबर जो है जरूर संभाल के रखिएगा। एंड अगर आपको अपने एग्जामिनेशन एग्जाम फॉर्म का जो है स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप एग्जाम फॉर्म के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है आपका नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा चेक फॉर स्टेटस इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको जो है 72 आवर्स का वेट करना है। जैसे आप जो है आपकी पेमेंट डन होंगी उस दिन से आपको 72 आवर्स का वेट करना है, उसके बाद जो अपना एग्जाम फॉर्म का स्टेटस जो है चेक कर पाएंगे। एंड साथ ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीविंग द डे ऑफ सबमिशन सैटरडे संडे और हॉलीडेज को आपको छोड़ के जो है 72 आवर्स का वेट करना है, उसके बाद जो है आपका एग्जाम फॉर्म का स्टेटस जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आप जो है किस तरह से अपने BAG के लिए एग्जाम फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं।